अच्छा, हमने अब फ्लोट, इंटीजर, डबल के लॉन्ग के बारे में सीख लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, वो है कैरेक्टर। क्या हो अगर हमने ए को प्रिंट करना हो, बी को प्रिंट करना हो, सी को प्रिंट करना हो, डॉलर का साइन प्रिंट करना हो, क्वेश्चन मार्क का साइन प्रिंट करना हो। एक तो तरीका है कि हम डायरेक्ट सी आउट करते हैं, पर अगर हमने यूजर से लेके किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो या हमने खुद से कोई चीज़ स्टोर करनी हो, तो उसके लिए भी तो कोई डेटा टाइप होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक डेटा टाइप है, वो है कैरेक्टर टाइप। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी डेटा टाइप से, ठीक है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा है। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका है कि चार, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नाम वी ए आर, लेट सपोज इज इक्वल टू, ये नीचे से मैं डाल देता हूँ। अच्छा, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? डिक्लेयर करने के वक्त ही हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, इस कॉल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये खाली डिक्लेरेशन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ उसके अंदर ए, अब ये जो ए है ना, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूँ लेट सपोज इंट, लेट सपोज वी 1 2 3 इक्वल टू 1 2 3, तो अब ये 1 2 3 और इस 1 2 3 में फर्क है। ये 1 2 3 एक वेरिएबल का नाम के अंदर वाला जो है ना, वेरिएबल का नाम है, और ये एक वैल्यू है। तो ये ए जो है ना, ये ए, और अगर मैं खाली ए लिखूं, ठीक है, इसमें फर्क है। ये ए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो हम दे रहे हैं। तो वैल्यू हम कैसे देते हैं कैरेक्टर के अंदर? सिंगल कोटेशन के साथ, इसको हम सिंगल कोटेशन कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको सी आउट करेंगे, बाकी इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये बस सिंगल कोटेशन का थोड़ा सा इसमें है अलग, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, ए प्रिंट हो गया। अच्छा, अब अगर आपको ये चीज़ हजम हो गई, अगर फर्ज करें यहाँ पे मैंने डॉलर साइन लिखना है, तो डॉलर साइन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं आपको इनपुट करके भी दिखा देता हूँ। इसमें इनपुट का भी कोई इशू नहीं है, कोई रोल नहीं है। मैं ये डॉलर साइन इधर रखता हूँ, सीन वी ए आर लिख देता हूँ। मैं इसको चलाता हूँ एक दफ़ा। सी आउट करना चाहिए था पहले आपको, क्योंकि सी आउट जो है प्रॉम्प्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो सी आउट जो है वो हमें हमेशा प्रॉम्प्ट जो है ना करना चाहिए। चलें जी, चलाएं इसको। हमने लेट सपोज क्वेश्चन मार्क का साइन डाला हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो गया। ठीक है, इनपुट भी वैसे ही लेते हैं जैसे नॉर्मली इंटीजर डबल वगैरह में लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, वो ये है कि सबसे पहली पहली चीज़ जो कैरेक्टर है ना, उसकी मेमोरी होती है 1 बाइट। 1 बाइट मतलब क्या? 1 बाइट अगेन मैं अगर इस फार्मूला में लगाऊं, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब है कि इसके 0 से लेके जो रेंज होगी इसकी, 0 से लेके 2 पावर 8 कितना बनता है? ये बनता है तकरीबन 256। तो 256 में से एक कट करें तो 255 बनता है। ठीक है, इतने नंबर इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तकरीबन 256 नंबर हैं जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, वो हम स्टोर नहीं कर सकते। मतलब आप जो कैरेक्टर्स है ना, मतलब क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉलर का साइन हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, इस तरह से काफ़ी सारे जो है ना कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 255 जो है ना कैरेक्टर्स टोटल हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब हर कैरेक्टर है ना, उसका बैकएंड पे एक नंबर बनता है, क्योंकि आपको पता है ना कि कंप्यूटर जो है वो हमेशा सिर्फ बाइनरी नंबर पे काम करता है। ठीक है ना। तो असल में होता ये है कि अगर फर्ज करें वी ए आर के अंदर हमने कहा कि यार वी ए आर जो है वो एक तो 1 बाइट का है। ठीक है, दूसरा वी ए आर के अंदर मैंने ए सेव करवाया, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए है, उसका एक नंबर होता है पीछे बैक। असल में यहाँ पे कैपिटल ए सेव नहीं होता, क्योंकि ए तो सेव ही नहीं हो सकता ना कभी कंप्यूटर में, उसका नंबर सेव होता है। और वो नंबर क्या होगा? 65। असल में 65 का भी सेव नहीं होगा, 65 की बाइनरी सेव होगी, पर वो ज़्यादा समझना है मुश्किल हो जाएगा। तो असल में आपके पास उसके पीछे एक नंबर सेव होता है। तो जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उसको एक नंबर दिया हुआ है कि अगर फर्ज करें हमने कंप्यूटर के अंदर, मैं आपको कहूँ कि मुझे ए स्टोर करना है कैपिटल, तो असल में मैंने क्या करना है, मैंने 65 स्टोर कर देना है उस मेमोरी में। तो 65 का मतलब क्या है कि मैं अगर आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ कि भाई ये कैसे मुझे पता चला कि 65 है, ये अभी आपको बताता हूँ। अब देखें, एक मिनट, ये मैं इनपुट ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इनपुट अगर मैं ख़त्म कर दूँ और इसको एक दफ़ा चलाऊँ, तो ये देखें आप, मैंने स्टोर 65 किया है, बट ये ए प्रिंट हो गया। असल में हुआ क्या है कि मेमोरी के अंदर 65 आ गया। और आपको पता है 65 जो है, कंपाइलर देखेगा वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का नहीं, 65 एक कैरेक्टर टाइप का है। इसका मतलब मुझे उसके जगह पे जो कैरेक्टर है ना वो प्रिंट करना है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि 65 की जगह पे क्या है? उसके लिए एक पूरा टेबल बना हुआ है कि भाई इस पे ए, 65 पे ए रखा हुआ है, 56 पे बी रखा हुआ है। इसी तरह से स्मॉल जो आपकी अल्फाबेट है वो 90 से स्टार्ट होती है,
97 से सॉरी 90 या 97 से स्टार्ट होती है, आई डोंट रिमेम्बर, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए पूरा उसको टेबल को कहते हैं आस्की टेबल। तो ये आस्की टेबल में देखें हर चीज़ के लिए जो है ना उसने एक वो रखा हुआ है कि भाई स्माइली फेस है उसके लिए जो है ना वो कौन सा नंबर होगा। अब मैं आपको जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के यूज़ में बहुत है वो ये है, देखें ए को स्टोर करने के लिए 65 यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ए का जो आस्की कोड है वो 65 है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं ए स्टोर किया है किसी वेरिएबल में, इसका मतलब मैंने 65 किया है। इसी तरह से ये स्मॉल एबीसीडी है वो 97 से स्टार्ट हो रही है, तो 97 से लेके 122 तक। इसका मतलब अगर मैं 122 इधर रख दूँ ना इस अपने वेरिएबल में ये डेव के अंदर, तो 122 असल में मैंने नहीं रखा, मतलब मैंने क्या रखा है, मैंने रखा है स्मॉल सी। तो इसको चला के देखते हैं, ये देखें स्मॉल सी, ठीक है ना। तो क्या मतलब कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, रेंज क्या है 0 से लेकर 255 तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हर सैंपल को एक नंबर दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए टेबल बना हुआ है, उस टेबल को हम आस्की टेबल कहते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके उसका जो है। और अगर आपने डायरेक्ट कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको ये सैंपल्स यूज करने हैं, ये सिंगल कोटेशन यूज करना है और आप जो है उसको चलाएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आस्की टेबल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज में आपको जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम थोड़ी सी करेगी वो ये है कि अगर मैं इसके अंदर जीरो लिखता हूँ, अब देखो जीरो जो है ना ये जीरो वो जीरो नहीं है जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। क्या मतलब कि मैं int लिखूं a इज इक्वल टू जीरो, देखो ये एक इंटीजर वैल्यू है और ये एक कैरेक्टर की वैल्यू है। अब देखो ना ये एक सिंबल है, अब अच्छा दो सिंबल्स इकट्ठे नहीं, ये सिंबल नहीं है, ठीक है ना, ये सिंबल नहीं है, ये एक वैल्यू है। तो सिंबल में सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, दो वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे कोई बंदा ये लिखना चाहे या अपना नाम लिखना चाहे तो उसके लिए ये तरीकेकार नहीं है, उसके लिए कुछ अलग चीज़ें यूज होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक सिंबल स्टोर की जा सकती है, ज़्यादा नहीं। तो ये जीरो है और इस जीरो में फर्क है। असल में आपको क्या फर्क है, अभी मैंने बताया कि ये एक सैंपल है और हर सैंपल के पीछे जो है ना वो पीछे एक कोड इस्तेमाल होता है। वो कोड क्या है वो अभी दिखाता हूँ, इसका कोड क्या है, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पे इस टेबल में, तो देखें ये 48 जो है वो कोड है जीरो का, ठीक है। ये गूगल पे लिखें आपकी कोड का जो है वो टेबल, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा, 48 पे जीरो है, इसी तरह से ये 9 तक है, 11 क्योंकि दो डिजिट है ना तो दो डिजिट इसमें नहीं आएंगे, एक डिजिट आएगा। तो 57, अब इसका मतलब मैं अगर वेरिएबल के अंदर 57 एंड लिखूं तो इसका मतलब मैंने इसके अंदर 9 स्टोर किया है और ये 9 सैंपल है, ठीक है ना। ये 9 क्या है, सैंपल है, ठीक है ना। ये 9 वो 9 नहीं है, इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ये एक सैंपल है। अच्छा, अगर मैं एक वेरिएबल को प्लस करता हूँ, वेरिएबल प्लस करता हूँ तो इसका जवाब वो नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं, ठीक है ना, कि 9 जमा 9 114 नहीं होते, ठीक है। ये 114 क्या दिखने में आया है, ये असल में 57 जमा 57 हुए, ठीक है। तो वो उसको इसने ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखाया है। तो असल में कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आपको यहाँ पे अगर कोई सिंगल कोटेशन के अंदर कोई इंटीजर दिखने में आए तो उसका मतलब ये 9 वो 9 नहीं है, ये 9 एक कैरेक्टर है, ठीक है। और ऐसे लिखना इंटीजर के अंदर इंट ए इज इक्वल टू 9, ये एक फर्क है। अगर मैं ए प्लस ए करूंगा तो जवाब यहाँ पे आएगा 18, बट वी ए आर प्लस वी ए आर किया तो आपको पता है जवाब क्या आया, जवाब आया 114, ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी कोड्स को ऐड करता है और ये अब क्या ऐड करेगा 18। ओ सॉरी, ये एक मिनट मैं इसको बंद करके फिर चलाता हूँ। तो ये वैसे आपको हमेशा जो है ना वो अलग से क्वेश्चन में लिखना चाहिए, बट चले ठीक है, ये 18 आया। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैरेक्टर में। समराइज करूँ अगर मैं, कैरेक्टर रेंज होती है उसकी 1 byte का होता है, ज़्यादा नहीं होता, बाकी 4 byte 8 byte के ये सबसे छोटा होता है। अच्छा, मेमोरी सबसे कम जो है ना वो करता है, सैंपल्स स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। कैसे स्टोर करते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर, ठीक है, और बस बाकी इसमें और कोई डिफरेंस नहीं। इनपुट वैसे लेते हैं, सी आउट भी वैसे ही करते हैं, यूज़ भी वैसे ही करते हैं नॉर्मली, ठीक है, ओके।